तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में हम गब्बेवार पहुंच चुके थे, इवनिंग का टाइम था, अब उससे आगे तो पूरी बारात ही गायब हो गई थी। तो पत्थरों पे सुना था कि इनके निशान हो गए, पत्थर बन चुके हैं, वही कुछ सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये घोड़े का निशान यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक चीज़ को मिस कर रहे हैं वो हो गया, अगर हमारे पास ड्रोन होता, इसलिए हम जो बड़े व्लॉगर्स हैं, अच्छे अच्छे काफी इमाद क्लिक्स हैं। बाकी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं सभी। हम 5 बंदे हैं इस ट्रैक पे, हम इस टाइम जा रहे हैं अपर गब्बेवार, तो देखते हैं वहां पे क्या देखने को मिलेगा। सामान वगैरह हमने नीचे छोड़ दिया। हाँ, सामान हमने जो था साथ में वो नीचे हट में छोड़ दिया, जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। तो अभी घूमेंगे फिलहाल। तो सीनरी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, एक पीछे से आ रही है सब। और इस बार मेरा नया हेयर स्टाइल भी है, तो कमेंट में जरूर बताना कि सही लग रहा है। सनलाइट जो है बिल्कुल सर पे है अभी, तो धूप ढल जाएगी तब ज्यादा मजा आएगा। हमीद खान, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, नीचे से कितना बड़ा एरिया है। ओ यार, बहुत एरिया है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है। इतना एरिया मैंने देखा नहीं है, मैंने पहली बार इतना बड़ा एरिया देखा है, जंगल के बीचों बीच ऐसा मिडो बहुत जबरदस्त खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत, मजा आ रहा है। मगर बहुत ज्यादा यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा यार, मजा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 दिन तो बैठ जाए यहीं पे, इतना ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है, नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए दिल नहीं करता यहाँ से जाने का, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे से आप देख रहे हो कट बच्चा कितने सारे यहाँ पे शीप, बहुत सारे दिख रहे हैं नीचे, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है जब ये सब व्यू देखते हैं। हाइट, इसी हाइट से जब ऐसा व्यू देखे ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और बहुत ज्यादा मतलब दिल को छू जाता है ये सीन। वैसा ही सीन मेरे साथ हो रहा है, यहाँ से टोटल मतलब नजरे हटाने का दिल ही नहीं करता, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पूरा देखिए व्यू, जब हम नीचे थे तो वहां से हमें लगता था कि इतना ही है जितना नीचे, ऊपर आए तो हमें अब लगता है कि नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर ही है सब कुछ, इतना ज्यादा बड़ा एरिया है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एरिया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दो साथ में चैनल। OMG, देख रहे हो आप कितना बड़ा एरिया है, कैमरा आपको उतना नहीं दिखा पा रहा है, पर जहां तक नजर जा सकती है वहां तक जाती है। हम यहां से इस एरिया नीचे से हम चढ़ के आए अभी ऊपर, तो अभी ऊपर जाके ये व्यू मिला हमें। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं मैं, जितने जितने हमारे कदम आगे जा रहे हैं उतनी ही ज्यादा खूबसूरती हमें दिखाई दे रही है, वापस मुड़ने का दिल ही नहीं करता सीरियसली, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, कि जो भी यंग है, जो भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, जो नहीं भी जाते वो एक बार इस जगह पे आए, विजिट आप आए, और गब्बेवार, लोअर गब्बेवार, अपर गब्बेवार आए, यहाँ पर ट्रैक करें और यहाँ पे एक रात स्टे करें और देखें यहाँ का, यहाँ की ब्यूटी जो है दिल को छू जाती है। तो गाइस, यहाँ पे एक हट मिल चुका है, तो यहाँ पे इनके साथ बात हो रही है, कुछ बातें कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप इस पूरे हट का स्ट्रक्चर जो भी है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें देखिए कितनी मोटी लकड़ी लगती है ऊपर से भी, और लकड़ी की छत रहती है इसमें, तो काफी अच्छा सीन रहता है इनका। तो इस टाइम गाइस हम एक हट में हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, अंदर से आप देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह, इंटीरियर वगैरह सब कुछ। नसीर भाई,
मैं बताता हूँ सर इसकी कहानी। हाँ सर, ये देखिए आप चाय बन रही है इस टाइम, चाय बन रही है चूल्हे पे लगी है, लगा हुआ है और कितना मजेदार चाय। लकड़ी पे जो चीज बनती है ना उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है और मजा उसका अलग होता है, मजा अलग होता है। ये देखिए आप बिस्तरा बिस्तरा सब कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे साथी बैठ गए हैं। हाँ, एंजॉय ले रहे हैं। इरशाद साहब जो है, इरशाद भाई, वो बैठ चुके हैं, कुछ मजा ले रहे हैं, इसका पिक्स ले रहे हैं। आप ये बोर्ड पे देख सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पे है इस टाइम, 3100। यहाँ पे हम अब चाय बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी भी नजदीक है, तो चाय बनेगी हमारी यहाँ पे, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या रहेगा। यहाँ पे इश्फाक भाई और इरशाद भाई चाय बना रहे हैं, तो चाय अभी बन रही है, चाय अभी बन रही है हमारी, तो इसका टेस्ट देखते हैं क्या होगा, अलग ही टेस्ट होगा, मजा आएगा क्योंकि आग पे बनी है। चाय का टेस्ट बहुत जबरदस्त है सर, ही ज्यादा आपने हमीद भाई से आप पूछो चाय का टेस्ट कैसा है। हमीद भाई, हाँ जी, चाय का टेस्ट कैसा है बताइए आप जनाब। पहली बार मैंने देखा ये ऐसी चाय पहली बार ऐसी चाय पी है, हमीद खान बोल रहे क्योंकि क्योंकि आग पे बनी है और स्ट्रांग चाय है और यहाँ पे इस एटमोसफेयर में अलग ही मजा है। इस जगह के बारे में हमें कुछ पता चला अभी के यहाँ पे एक दुल्हा दुल्हन गायब हो गए थे दोनों, तो कश्मीरी में बोलते हैं दापान, वही कुछ सीन है यहाँ का भी कि ये गए तुम गह भाई, तो वही वैसा ही कुछ यहाँ पे ही सीन है, दुल्हा दुल्हन गायब हो गए थे इन पत्थरों में, कुछ पत्थर बन चुके। आपको पता नहीं है क्यों आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुझे मैं आता रहता हूँ और जो मैंने सुना है यहाँ की कहानी, जो ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे जी जी, बहुत घने पत्थर है। जो मैंने सुना हुआ है कि पुराने ज़माने में यहाँ कोई बारात जो है क्रश हुई है और ये पुराने ओल्ड लोगों को पता है, उन लोगों से हमने भी सुना था कि यहाँ जहाँ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं यहाँ से वीजी टॉप का रास्ता जी, वीजी टॉप का रास्ता वहाँ से लेके एक घंटे का है। जो पूरी बाराती गायब हो गई थी, तो पत्थरों पे सुना था कि इनके निशान हो गए, पत्थर बन चुके हैं, वे कुछ वही कुछ सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये घोड़े का निशान यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये उनके पांव और इंसान का भी यहाँ पे पांव दिख रहा है, यहाँ पे भी हाथ लगा है, शूज का भी है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जितना हम मैंने कहा ना आपको पहले कि जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा जगह खूबसूरत होती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो आप मेरे पीछे से देख रहे होंगे शीप्स वगैरह, तो इनके साथ भी पिक ली हमने और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत लगता है जब इतनी ब्यूटीफुल जगह में और शीप्स वगैरह हो और फिर आप उनके बीच में हो, तो अलग ही कुछ फीलिंग्स आती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। कोशिश हो रही है कट बचा को पकड़ने के लिए, हर बार नाकाम। एक अब पीछे दिखाई दे रहा है, 10 मिनट से हम नाकाम, ये वाला एक दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो अब इश्फाक भाई फिर से ट्राई करेंगे इसको, अगर पकड़ने दिया तो। इतने एक्टिव है कि जैसे ही बंदा जाता है कि ये भाग जाता है, ये सीन हो रहा है हमसे हमारे साथ। अभी फिर से ट्राई कर रहा है, देख ले, ये पकड़ लिया, फाइनली हमने कट बचा पकड़ लिया, बड़ा ही पकड़ा मगर पकड़ा। तो ये रहा,
हम गब्बेवार की कोई भी जगह एक्सप्लोर करने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। हर एक जगह गब्बेवार की हम आज एक्सप्लोर करेंगे, अपर गब्बेवार की। तो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनसे कोई मिलता है उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ का कुछ जो खास है जैसे बारात वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें, तो सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे साथ में। तो आप बने रहिए इस व्लॉग के साथ, तो विदाउट स्किप, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें जल्दी से, और सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को। तो बने रहिए हमारे साथ। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की, जो मैंने हर जगह पे देखी, कि सब जगह ग्रीनरी है और कहीं पे भी पॉलीथीन वगैरह हमें नहीं दिखा, गंदगी वैसे यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं सीन लगा। तो हमने भी जो पॉलीथीन्स वगैरह जो भी पैकेट्स वगैरह थे हमने भी जला दिए वो सारे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इस जगह को गंदा करें। तो गाइस बहुत ही अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, तारिक मेरे साथ हैं। तो हम फिलहाल ये बताते हैं कि हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम नीचे हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो हो गया अगर हमारे पास ड्रोन होता, इसलिए हम जो बड़े व्लॉगर्स हैं, अच्छे अच्छे काफ़ी इमाद क्लिक्स हैं, बाकी फहीम व्लॉग्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें, स्पेशली इमाद क्लिक्स, इमाद क्लिक्स को बिग फैन उनके हैं, तो उनको एक रिक्वेस्ट है वो यहाँ आएँ अपना ड्रोन लेकर, अगर पॉसिबल हो सकता है एक बार इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बाकी लोगों से भी जो भी लड़के ट्रैक करते हैं और बाकी जगह पे, उनको भी ये एक मैसेज है कि आप लोग भी यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे हमारा डिनर तैयार हो रहा है, इरशाद और इशफाक दोनों लगे हैं काम पे। ये देख सकते हो आप, मीट है इसमें और इसमें चिकन है, और यहाँ पे जो चूल्हे पे लगाया गया है चिकन, और नीचे से आग इनटू हैंडर जल रही है। हेलो एवरीवन, तो हमारा डिनर जो है वो हो चुका है, अब हम बस सोने की तैयारी में हैं। तो जो बंदे हमारे हैं काफी थक चुके हैं, सामान उठाना पड़ा जिनको, उसके बाद खाना पीना किया, अभी हम इस डॉक में हैं। और जहाँ जो यहाँ के जिनकी डॉक है बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कॉपरेट किया इन्होंने हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ इस डॉक में अभी आराम से बैठे हुए हैं और सोने की तैयारी है। 12 बजने वाले हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आज रात में होने के बाद। हम कल मॉर्निंग 8 से 9 के बीच में वीजी का सफर करेंगे। तो गाइज आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट आने वाला है, तो वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।